चलिए, आज मीटिंग बड़े अच्छे से हो गई। दत्ता जी आइए, भोजन कर लेते हैं। मैं आता हूँ। मुन्ना भोजन का समय हो गया। दत्ता जी मैं बाद में कर लूंगा। मुन्ना कब खाएगा? देखो छोरे, खाली पेट जंग नहीं जीती जाती। दत्ता जी वो बस काम है इसीलिए। हेलो, राजशेखर सिंघानिया बोल रहा हूं मैं, बैंक से। हाँ जी कहिए। आओ जी, वो मैंने उन्हें फोन किया था, इसे दोबारा फोन किया होगा। जरा होल्ड करना। हेलो जी, मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं दादा जी, ब्रोकर को पैसे देने की जल्दी में ना मैं कुछ जरूरी कागजात साइन करना भूल गया, बस इसीलिए फोन कर रहे थे। अच्छा, और कोई बात तो ना है ना? हाँ जी। नहीं दादाजी, और क्या बात हो सकती है। ठीक है, तू ना बताना चाहे तो जरूर कोई कारण होगा, लेकिन छोरे ये बात याद रख, इसमें जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। क्या बात है, आज इतनी जल्दी तैयार हो गए? अच्छी बात है ना। तो एक और अच्छी बात कर दीजिए, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, वो सुनीता की शादी है तो कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना है। हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ अपने लिए भी ले लीजिएगा। फिर तो और पैसे लगेंगे। अब सिर्फ अपने लिए तो लेकर नहीं आऊंगी, माँ बाऊजी कोयल और आपके लिए भी कुछ खरीद के लाऊंगी। मतलब अगर आपको उंगली दे तो आप पूरा हाथ ही पकड़ लेंगी है? ये लीजिए। थैंक यू। अरे नंदनी, इसमें से क्यों बचा रही हैं? मोहित, समय का कोई भरोसा नहीं है। आज हमारे हालात अच्छे हैं, पर क्या पता कल हालात बदल जाए। आज देखिए बाऊजी कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। भगवान करे उनकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए और वो जल्दी से अपने घर लौट जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम बाजार हो आते, पूजा का सामान लेना है। जी माँ, आप लोग आराम से जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। बेटा आप पानी आने से पहले लौट आए। हेलो। अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पास में मीटिंग थी तो घर आ गया। अच्छा ठीक है, आपके लिए चाय बनाऊं? ये क्या, आपको इसके आ रही है? कौन याद कर रहा है आप? हाँ मुझे तो लगा था कि आप ही याद करें, लेकिन पता नहीं क्यों हिचकी रुकी नहीं रही है। कितना सारा पानी पिया फिर भी नहीं रुक रही। खरगोश ये देखिए, अरे कितना प्यारा है। देखिए देखिए यहाँ गया गया। अरे आइए तो आइए। अरे आराम से कहाँ है? ये देखिए कितना प्यारा सा है। वो देखिए वो गया। अरे कहाँ, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं कहाँ है, कहाँ चला बताइए। तभी मैं कहूँ यहाँ खरगोश कहाँ से आ सकता है। अच्छा तरीका है हम दोनों की हिचकी रुकवाने का।
दोनों की? तो क्या बेबी को भी हिचकी आती है? हाँ, मैंने पढ़ा था। देख, आपने दत्ता जी से जो कहा उस बात को लेकर आप परेशान मत होइए। आपने जो भी किया है सबकी भलाई के लिए ही किया है। अरे वो मेरी साड़ी है ना, वो कौन है मेरी साड़ी पहन के जा रही है? अच्छा, वो आपकी साड़ी कैसे हो सकती है? नहीं नहीं नैतिक, वो मेरी साड़ी है, देखिए ना, गोल्डन बॉर्डर और ऑरेंज कलर। हाँ हाँ, ये मेरी साड़ी है। हाँ, मैंने तो ये धोने में ली थी ना। अच्छा, आप भी ना। अरे आपकी जैसे साड़ी किसी और के पास भी तो हो सकती है ना, और आपने रोमिन को दी। हाँ, लेकिन ये मेरी साड़ी लग रही है। अरे पानी आ गया, ये अभी कैसे आ गया? अभी तो 6 भी नहीं बजे, अब क्या करें? घर पे तो कोई है भी नहीं। महाराज जी कहाँ हैं? वो आटा पिसवाने गए हैं, और माँ और भम्मा दोनों पूजा का सामान लेने गए हैं, अब क्या करें? कोई बात, चलिए हम पानी पहले। हम कैसे नैतिक? अरे आइए, वरना पानी चले जाएगा। आइए आइए। नैतिक ध्यान से प्लीज। अरे ये महाराज जी अब तक क्यों नहीं आए? कोई बात नहीं, मैं बाल्टी ना दादाजी के कमरे में रख देता हूँ। अरे वहाँ पानी नहीं आ रहा है। नैतिक पूजा का सामान रख दें, फिर पानी भरने की तैयारी करें, पानी आने का भी समय हो गया। मुन्ना बेटा, तू क्यों पानी भर रहा है? महाराज जी कहाँ? महाराज जी आए नहीं क्या अब तक? नहीं माँ, महाराज जी अब तक नहीं लौटे। मैं दादाजी के कमरे में रहता हूँ। बेटा, अरे मुन्ना, अरे रखो, अरे अरे क्या कर रहे हो तुम? आज क्या आगो? पानी 6 बजे से पहले ही आगो। अरे पानी तो हम भर लेंगे मुन्ना। बेटा थोड़ी देर रुक जाता ना, पानी तो अभी कुछ देर रहेगा। और का पाप तो हम पे चढ़ोगे ना? अरे हमारे मुन्ना ने जितना काम थोड़ी करे। अरे ये क्या, दो बाल्टियां तो उठाई, कौन सा कुआं खोदा है? बेटा ध्यान रखना चाहिए, बाल्टी में कितना वजन होता है, और तू तो पूरा भीग भी गया है। जा कपड़े बदल। बहू, महाराज जी आ गए। तू जा बेटा। नमस्कार श्रवणी जी। पड़ोस में? हाँ हाँ, आइए आइए। राधा कृष्ण श्रवणी जी। नमस्कार। हाँ बिराजी। नहीं नहीं, आज ना मैं बहुत जल्दी में हूँ। हाँ उस दिन क्या है ना, बात ही नहीं हुआ, सोचा आज मिल के आती हूँ, है ना? ये लीजिए। हाँ, एक मिष्टी मिठाई। मिठाई क्या जरूरत थी? मिठाई है ना, खराब हो जाएगा, इसीलिए सोचा आपके घर दे। वो हमारा फ्रिज है ना, वो खराब हो गया, खुलने ही नहीं हो रहा। इसको आपका रेफ्रिजरेटर में रख दीजिएगा। रख देंगे। क्या आपका घर ना खूब भालो? हाँ हाँ, वो पहले वाला किराएदार था ना, वो घर बिल्कुल क्लीन नहीं रखता था। अभी ये सारा कॉलोनी में ना सभी लोग ऐसा ही है, विचित्र। हाँ अभी आप इधर रहेगा ना, आपको आस्ते आस्ते सब समझ में आ जाएगा। वो मिसेज धुलिया है, विचित्र। अभी ये बात अगर हम अपना हस्बैंड को बोलेगा ना तो गुस्सा हो जाएगा। अरे इनको क्या समझता है, कुछ भी बोलेगा ना तो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। सब हस्बैंड लोग करा यही प्रॉब्लम होता है। बस ऑफिस और काम, ऑफिस और काम, हमारा बात कौन सुनता है? हा? हाँ हाँ ठीक है, ठीक अच्छे। हाँ मैं चाय लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, चाय नहीं। हाँ अब फिर कभी पिएंगे, अभी जाना है ना इसलिए। इसमें रख दीजिएगा। हाँ दूध का है ना। थैंक यू। हाँ नमस्कार। राधे राधे। इनकी भाषा समझना बड़ा मुश्किल है। मन की अच्छी है, हमारी कितनी मदद की इन्होंने। महाराज जी। हाँ छोटी दुल्हन। ये मिठाई श्रवणी जी लाई है, दूध की है, फ्रिज में रख दीजिए। ठीक है, आप भी रख दो। बेटा तू देख ले कपड़े सूख गए क्या, हम भी खाने की तैयारी करें, फिर पंडित जी आते होंगे। हाँ चल।
पंडित जी नहीं आए अब तक। रुक्मिणी बहन ने कहा था शाम तक आ जाएंगे। बहू बेटा तुम रुक्मिणी बहन से बात करो ना, हो सकता है वो पंडित जी को बताना ही भूल गई हो। माँ पंडित जी अरे आइए आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण आइए विराजिए। मुझे रुक्मिणी बहन ने भेजा है। जी हाँ आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। जी अब हमें हमारे घर सत्यनारायण की पूजा करनी है। तो हो जाएगी। तो एक जल्दी से कोई शुभ मुहूर्त बता दीजिए। राधे राधे। पूजा अच्छी होनी चाहिए। जी 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 हमारा घर नया है। अब आप लोगों ने मुझे बुलाया है तो पूजा अच्छे से ही होगी, पूरे विधि विधान के साथ, इसकी चिंता आप ना करें। राधे कृष्ण। राधे पंडित जी हमारी बहू। राधे कृष्णा। वैसे आप लोग इनके लिए एक विशेष पूजा क्यों नहीं रखवाते? गर्भवती बहू है, पूजा मंगलकारी होगी और ये आवश्यक भी है ताकि कोई अमंगल ना। वो सबसे बड़ी शक्ति, मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं, हमें ऊपर वाले से डरना चाहिए। इसीलिए होने वाले बच्चे और उसकी मां के स्वास्थ्य के लिए पूजा अवश्य करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जो सबसे बड़ी शक्ति है हमारी भी उसी पर आस्था है, इसीलिए हमारे मन में कोई डर नहीं। हाँ पंडित जी, इसीलिए तो हम सब घर वाले मिलकर सत्यनारायण की पूजा रख पा रहे हैं, इस घर की सुख शांति के लिए, इसीलिए तो आपको बुलाया है। जी। राधे कृष्ण पंडित जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पंडित जी हमारी पूजा का उद्देश्य आप समझ गए होंगे। राधे कृष्ण। बीरा जी। जी धन्यवाद यजमान, मेरा भी उद्देश्य इतना ही है कि ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे, तन मन धन से जो पूजा पाठ किया जाए ईश्वर अपना आशीर्वाद दे, उसके प्रकोप से सबको डरना चाहिए। हाँ इसलिए तो आपको बुलाया है कि पूजा अच्छी हो, कोई कमी ना रहे। अवश्य, परसों बहुत अच्छा मुहूर्त है और सुबह की पावन वेला अत्यंत शुभ है, अगर आपको उचित लगे तो पूजा का समय तभी निर्धारित कर देंगे। जी वैसे पूजा की सारी सामग्री हम ले आए हैं, लेकिन अगर आपको कोई आवश्यक सामग्री की जरूरत हो तो बता दीजिए। और वैसे पूजा में तो मैं स्वयं की पावन और शुद्ध सामग्री का ही प्रयोग करता हूँ, लेकिन आप कह रही हैं तो। नहीं नहीं आप अपनी सामग्री ले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो ठीक है, उस दिन मैं सारा आयोजन कर लूंगा। और हाँ, इस घर पर विपत्ति न आए, कोई विघ्न बाधा ना हो, इसके लिए आपको दान दक्षिणा भी अवश्य करनी चाहिए। जी जरूर। और हाँ, दान में सोने और चांदी के सिक्के श्रीफल के साथ चढ़ा दें और निश्चिंत हो जाए। सही कहा पंडित जी, हम भी दान में बहुत विश्वास रखते हैं, इसलिए तो हर साल हम गरीब और अनाथ बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए अनाथालय में पैसे और सामान हमेशा दान करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दान करना ही चाहिए। अच्छा जजमान, अब हमें आज्ञा दीजिए। राधे कृष्ण। राधे। राधे कृष्ण। चलिए भाभी माँ, आपकी इच्छा पूरी होगी, परसों पूजा भी हो जाएगी। हम खाने की तैयारियां करते हैं। मैंने खुशी है कि सारे लोगों ने समझदारी से काम लिया, अपनी बात को सरलता से कह दी, अपने विचारों की ताकत को विनम्रता से कह दो। पंडित जी समझ गए होंगे।
आप सब लोग पंडित जी की बातों से परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। माँ, मैं देख सकती हूँ आप सब लोग चिंता में आ गए हैं, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, आप सब लोगों की प्रार्थनाएं और ढेर सारे आशीर्वाद मेरे साथ। मैं जानती हूँ हर दिन आप मेरे और मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनमें बहुत ताकत है, हम में से किसी पर भी कभी कोई आंच नहीं आएगी। आपसे एक बात पूछनी थी, समधियों को न्योता दे दे। जब रुक्मिणी बहन को पंडित जी के बारे में पूछने के लिए फोन किया था तो वो पूछ रही थी कि कौन कौन आएगा, तब तो हमने कुछ कहा नहीं, लेकिन अपेक्षा तो उन्हें होगी। हमारे हर पूजा में सब लोग शामिल हुए हैं। बात तो चौकी है नंदिनी की माँ, पर मन ने ठीक ना लगे, अभी घर ठीक से जमाना है, सबको बुलाकर ढंग से सत्कार ना कर सके तो क्या उचित लगेगा? जल्दी स्थिति संभल जाएगी तो सबको बुलाकर मान सम्मान से सेवा सत्कार करेंगे तो मन ने भी दिल से खुशी होगी। बाकी थारे लोगों की मर्जी। बात तो सही है, लेकिन सत्यनारायण की कथा है, हम घर वालों के अलावा अगर दूसरा कोई हो तो उसे प्रसाद देकर हम पूजा संपूर्ण करेंगे। जी, पंडित जी के अलावा अगर अतिथि को भोजन करा दें तो पूजा संपन्न मानी जाएगी। दादाजी, अगर आप सब लोगों को ठीक लगे तो क्या हम वो हमारे पड़ोसी चट्टोपाध्याय जी और उनकी पत्नी को बुला लें? पड़ोसी भी तो रिश्तेदार समान होता है। ये सही रहेगा। क्यों दादाजी? ठीक, तुम दोनों जाकर न्योता दे आना। हम कल सुबह ही चले जाएंगे। इसे छोड़िए, हार जाएंगे। इस गलतफहमी में मत रहिए, भारी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। देखते हैं। आपने पलके झपका ली। शे, आप दोनों ने मिलके ना मुझे हरा दिया। हमने आपको हराया फिर आप जानबूझ के हारे? बताइए क्यों किया आपने ऐसा? खेल खेल में भी मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।